अक्सर कई लोगों को लगता है कि नॉर्मली जैसे हम बातें सुनते हैं कि आप पंडित जी हैं तो मंदिर तक सीमित रहे या यू नो बस पूजा पाठ में रहे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हर इंसान अपने व्यक्तित्व के साथ उसका जन्म होता है। ईश्वर ने हर एक को अपनी अपनी विशेषताएं दी हुई हैं। कहीं ना कहीं पंडित जी की जो व्यवहार है, बात है, वो एक जनसंपर्क में बहुत ही विशेष है, विशेष है। इसलिए मुझे लगता है पंडित जी का सोशल लाइफ हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो, हर जगह उनका जुड़ाव है। तो कई लोग जो सोचते हैं कि उनको इसी सीमित रोल में रहना चाहिए, मुझे लगता है एक सीमित रोल के लिए पंडित जी नहीं बने हुए हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जितने लोगों से आप जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक आप ईश्वर की आस्था या लोगों को जोड़ पाएंगे, और साथ साथ उतने ही लोगों को भी लाभ मिलता है कि गुरु का आशीर्वाद मिले। तो शब्दों में कहा जाए तो क्या मीरा भाईंदर की जनता को पंडित जी सेवा करेंगे आगे चल के? नहीं, मुझे लगता है ब्राह्मण तो जब आशीर्वाद दे दे वही सेवा है। तो राजनीतिक क्षेत्र से पंडित जी का मैं नहीं यही कहूंगी, वो आशीर्वाद देने के लिए वो आशीर्वाद देंगे। मुझे नहीं लगता कि राजनीति में पंडित जी को वो सलाहकार सलाह देंगे, लेकिन राजनीति और पंडित जी का मुझे नहीं लगता कोई मेल है। मंदिर में कोई राजनीति नहीं होती है, भगवान के दरबार में कौन कौन सी पार्टी का है ये कभी मायने नहीं रखता। हमने भी मंदिर में देखा है, हर पार्टी के लोग आते हैं और उतने ही मतलब उतने ही उत्साह के साथ सभी मतलब पूजा पाठ भी करते हैं और उत्साह पूर्वक उनके सारे कार्यक्रम भी होते हैं। तो मुझे लगता है मंदिर में राजनीति नहीं है। पंडित जी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? मेरा आप लड़वाना चाहते हो मुझे लगता है। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? मैम ने आपकी इतनी बड़ी तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि नारी यत्र नारियस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं अपने पिताजी से सीखा कि हमारे पिताजी अध्यापक रहे और उन्होंने शुरू से हमारे माता जी का और हमारे दादी का बहुत सम्मान करते थे। हमारे दादी वृद्धावस्था से लेकर कभी वो मतलब धोती नहीं धुलने देते थे जब तक वो रहीं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा शुरू मतलब जन्म से। हमारा ये परिवार से यही संस्कार रहा। तो नारी का सबसे बड़ा कि मैडम का जब ये नगर सेविका नहीं थी उसके पहले से हमारा पारिवारिक संबंध रहा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी स्वार्थ में और मैडम का भगवान से या मंदिर से या मेरे से या जिससे जुड़ते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये सबसे बड़ी राजनीति में ये चीज़ है। और मैं यही भगवान से कामना करूंगा कि मैडम राजनीति क्षेत्र में और उस पद पर जाएं और अच्छे कार्य करें। थैंक यू मैम, थैंक यू।